नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्भट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा के रहुई प्रखंड क्षेत्र के पंचानी नदी का जलस्तर बढ़ते ही मई पंचायत के पहियारा खंदा के पास पंचानी नदी का लगभग 40 फीट की दूरी तक तटबंध टूट गया है। इससे सैकड़ों बीघे के खंदों में पानी फैल गया है। तटबंध का कटाव भी ऐसा है कि नदी के पानी का बहाव ही इस ओर मुड़ गया है, जिससे किसानों की पूंजी बर्बाद होने का भय व्याप्त है। मई गांव के किसान अरुण मुखिया व हवनपुरा पंचायत के अजय यादव ने क्या कुछ बताया, देखे इस रिपोर्ट में। पंचानवे नदी का बुरी स्थिति है। क्या स्थिति है? बुरी हालत है इसकी। तो मैंने क्या बांध टूटा है? बांध टूट करके ऐसे वो पूरा हमन पूरा इन बात सब घसर ले लिया है। अच्छा, क्या इससे नुकसान होगा? नुकसान पूरे फसल की नुकसान है। आ? पूरे धान फसल की नुकसान है। तो मैंने कौन कौन सा है इधर गांव जो डूबेगा धान? अब इतना तो गांव का यहां से हमन पूरा इनवास सोनसा सोसंदी सैदी सदरदली मई मथुरापुर पहले बांध बांधा गया था ना, फिर टूट गया। बांधा गया था फिर टूट गया। बांधा गया फिर टूट गया। अच्छा, अभी बांध बंधा रहा है। बंधा रहा है पर सक्सेसफुल नहीं है, है? बंधा रहा है सक्सेसफुल नहीं है। तो बाढ़ का खतरा मंडरा है कहीं से? ये तो बढ़ेगा है? ये तो और बढ़ेगा होगा। ये तो पंचानवे नदी है सर। हाँ, ये बार बार आता है, बांध तोड़ देता है। हाँ। इससे मैं फरीदा पंचायत पूरे जलमग्न हो गया और आगे भी हमनपुरा पंचायत है उसमें भी पानी घुस रहा है। तो क्या बाढ़ का खतरा? बाढ़ का खतरा बढ़ने का उम्मीद है। पानी बढ़ रहा है? हाँ, पानी बढ़ रहा है। बांध क्या देख रहे हैं स्थिति? बांध तो अभी देखना है कि अभी पानी बढ़ ही रहा है। तो इसका पहले भी टूटा था बांध? हाँ, इसी जगह पर टूटा था, अभी अलग होकर थोड़ा टूटा है। तो कितना गांव प्रभावित होगा धान? करीब 20-25 गांव तो जरूर होगा सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय बिंद है। जलस्तर तो काफ़ी अभी बढ़ा हुआ है, करंट अभी तेज है और राइजिंग टेंडेंसी है, तो काम चल रहा है अभी। मतलब क्या सूचना क्या मिला? नहीं, सूचना तो हम लोग के सामने पाइपिंग शुरू हुआ और 1 घंटा में पूरा बांध 10 फीट में बैठ गया, सिंक कर गया। तो क्या बाढ़ का खतरा ही मंडरा रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी रात से पानी का लेवल घटेगा। अच्छा, घटेगा फिर करंट भी कम होगा। कौन सा बांध है जो टूटा है सर? ये तो जमींदारी बांध है रोही प्रखंड में। क्या नाम है सर आपका? कपिल देव कुमार।